जैसे ही किसान सड़क पर आएगा उसको देशद्रोही बताने की जो एक बहुत ही घटिया मानसिकता और कोशिश है, दरअसल यही इस पूरे घटना को देशद्रोही किसने बताया है? देशद्रोही किसने बताया है आशुतोष जी? नहीं, अभी आपके पैनल पे एक सज्जन ने कहा है थोड़ी देर पहले, आप दोबारा रिकॉर्ड करके देख लीजिए उसको क्या कह रहे हैं। अगर इसकी जांच हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका देशद्रोही से संबंध, ये कौन सी मानसिकता है, ये क्यों बताने की कोशिश। वेलकम टू हुल्लर मीडिया दोस्तों। एमएसपी और कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त एक्शन की मांग पर किसान और केंद्र सरकार के बीच जोरदार संघर्ष चल रहा है। प्रदर्शनकारी किसान एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर केंद्र सरकार से भिड़ने को तैयार है। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत विफल रहने के बाद किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल किसानों का काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर प्रदर्शन को भारत विरोधी कहने वालों को वरिष्ठ पत्रकारों ने गजब बखिया उधेरा है। देखिए ये विस्फोटक डिबेट। कांग्रेस पार्टी अगर आज की तारीख में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को क्या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सवाल नंबर वन। और दूसरा सवाल यह है कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि एक बार फिर से इस तरह की स्थिति इस वक्त बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। किसान जवान आमने सामने हैं और एक तरफ सरकार है उनको रोकने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चित्रा जी, मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी कहता हूं, किसी भी आंदोलन को इस तरीके से रोकने की कोशिश आजाद भारत में मैं पहली बार देखा। पिछली बार भी जब किसान आए थे तो किस तरीके से बैरिकेड नहीं बल्कि जो स्थितियां, ऐसा लग रहा जैसे कोई दुश्मन देश से कोई आ रहा और उसको रोकना है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और अगर किसान इसको देखकर अगर भड़कते हैं तो उसके लिए सरकार को भी बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर क्या है। मैं अभी आपके चैनल पर ही देख रहा हूं कि किस तरीके से एक बार फिर पूरी कोशिश शुरू हो गई है कि दरअसल ये किसान आंदोलन करने वाले अपनी मांगों को लेकर ईमानदार नहीं बल्कि इनका देशद्रोहियों के साथ कोई रिश्ता है। ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है कि हर चीज पर सिर्फ सरकार को डिफेंड करना, खुलेआम सरकार की वकालत करना और जो भी प्रदर्शन करे, जो भी आंदोलन करे उसको 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 डिस्क्रेडिट करना, उसको देशद्रोहियों के साथ जोड़ना, उसको पाकिस्तान परस्त बता देना, ये यही तो वो स्थिति जो बताती है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थितियां कितनी मजबूत है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज ही किसान क्यों आंदोलन के लिए मजबूर है? क्योंकि सरकार जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो उसमें सरकार ने कमेटी बनाई थी, एमएसपी को लेकर वायदे किए थे, क्या वो पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे तो क्या उस पर लागू हुआ या लागू नहीं हुआ? बहुत बुनियादी से सवाल है, इसका जवाब सरकार नहीं देती कि आपने जो खुद वायदा किया अगर आप उसी को अमल में ले आए, आप किसानों के साथ लगातार संपर्क में रहे तो स्थिति पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही किसान सड़क पर आएगा उसको देशद्रोही बताने की जो एक बहुत ही घटिया मानसिकता और कोशिश है, दरअसल यही इस पूरे घटना को देशद्रोही किसने बताया है? अभी बदत है तो मुझे देशद्रोही किसने बताया है आशुतोष जी? नहीं, अभी आपके पैनल पे एक सज्जन ने कहा है थोड़ी देर पहले, आप दोबारा रिकॉर्ड करके देख लीजिए उसको क्या कह रहे हैं। अगर इसकी जांच हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका देशद्रोही से संबंध, ये कौन सी मानसिकता है, ये क्यों बताने की कोशिश की जा रही? पिछली बार भी किसानों के जब 700 किसान मर गए, क्या कभी उस पर किसी तरीके का अभी आशुतोष जी अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैंने केवल ये कहा था कि किसानों के भेष में जो लोग सुरक्षा बलों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो अजारक और अवांछनीय गतिविधियां कर रहे हैं, वो लोग अवांछनीय तत्व हैं और वो किसानों की इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। मैंने ये कहा आशुतोष जी को, शायद उनको सुनने में कुछ परेशानी है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 26 जनवरी पे भी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लाल किले पे हुआ वो बहुत दुखद था, जिस प्रकार से 13 महीने तक हाईवे को रोका गया वो बहुत दुखद था, जिस प्रकार से वहां पे अवांछनीय गतिविधियां हुई वो बहुत दुखद था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आशुतोष जी, मेरा आपसे निवेदन है, आंकड़ों की बाजीगरी आप मत कीजिए, आप पहले ये देखिए कि आखिर क्या क्या कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। मैंने कंपैरिजन तो है 2014 ने खुद प्रॉमिस किया था एमएसपी को लागू करने के लिए, सीधी सी बात है, सरकार लागू कर दे। आपने एमएस स्वामीनाथन को महाभारत रत्न दिया है, उनकी बनाई हुई कमेटी की रिकमेंडेशन आप उसको लागू कर दीजिए, किसान अपने घर चले जाएगा।
ठीक है, लेकिन किसानों की ओर से जो मांग की जा रही है वो कितनी ज्यादा व्यवहारिक है? पकड़ मेरे को जानता नहीं है। सरकार की ओर से बार बार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? और मुझे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद आ जाता है कि पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं है, क्या हो सकता है रास्ता इसके लिए? राकेश जी क्या कह रहे हैं, बातचीत के जरिए ही समाधान निकले? पंकज जी, अगर सरकार कह रही है 10 लाख करोड़ रुपए लगेंगे 24 फसलों को देने के लिए, 10 साल में 100 लाख करोड़ रुपए हुए। आपको मालूम है 10 साल में सरकार ने एमएसपी पर कितना खर्च किया है? सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए साल के। तो 10 लाख का कितने प्रतिशत हुआ? अरे कुछ तो बढ़ा ही सकते हैं। मैंने सूर्या जी की बात सुनी, वीरपाल जी की बात सुनी, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक कृषि विशेषज्ञ हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अरे हर आंदोलन के पीछे षड्यंत्र सूंघने की आदत पड़ जाए तो उसका क्या इलाज है? म्यूजिक। किसान अपनी फसल की उचित कीमतों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, पूर्व सैनिक अपनी पेंशन के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, विद्यार्थी इम्तिहान के पेपर आउट होने के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश, बेरोजगार नौकरियों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, महिलाएं और आम लोग बेतहाशा महंगाई के लिए आवाज उठाएं विरोध में तो साजिश, महिला पहलवान अपने पर अनाचार के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अपने पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश। अरे दुनिया भर में कहीं भी आपने कोई भी लोकतांत्रिक सरकार देखी है क्या जो अपने देशवासियों की हर बात को षड्यंत्र बताने में दिन रात लगी हो? जिन नागरिकों ने आपको हुकूमत सौंपी है वे अपना दर्द सूर्या जी किसको बताएंगे? जिस तरह अंग्रेजों की सरकार भारतवासियों की हर असहमति में षड्यंत्र ढूंढती थी, जिस तरह के दमनकारी और बर्बर तरीके आंदोलनों को कुचलने के लिए अख्तियार करती थी, अगर आप भी वीरपाल जी वही रवैया अपनाएंगे तो फर्क क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप तो एक कदम आगे निकल गए, किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बर्छियां बिछा रहे हैं, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर रहे हैं। किसान मांग ही क्या रहे हैं? अरे कृषि उपज की न्यूनतम कीमतें मांग रहे हैं, एक बिजली कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के को मुआवजा दे दिया जाए। तो पिछले सारे किसान आंदोलनों में शामिल जो लोग थे उनके खिलाफ आपने झूठे मुकदमे लगा दिए, उनको वापस ले लें। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसकी वापसी चाहते हैं तो उस पर बात कर लें। विश्व व्यापार संगठन से अलग होने की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है उनकी। एक सरकार को जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को चलाना चाहती है, उसमें इन सब मांगों की सुनवाई होनी चाहिए। किसान अगर षड्यंत्रकारी है तो देश को यह जानने का हक है कि नहीं है कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू सर नहीं ये करने बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। बाकी लोग जो आ रही हूँ, वीरपाल सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट निकाली है, ये है साल 2017-14 जून की। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं चाहूंगी वो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट सरकार की ओर से कुछ मानी गई है और उनकी ओर से क्या सिफारिशें थी वो भी आप जरा दिखाते रहे स्क्रीन पर। मैं उस रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ी हूं। कृषि वैज्ञानिक और किसानों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की कृषि नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि आयोग की कई सिफारिशें लागू कर दी हैं। कई ट्वीट उनकी ओर से किया गया और लिखा गया कि मोदी सरकार ने किसान आयोग के बेहतर बीज, सॉयल हेल्थ कार्ड, बीमा सिंचित क्षेत्र की वृद्धि को लागू किया है। और इस तरह से स्वामीनाथन की ओर से ही उनकी बहुत सारी तारीफ की गई है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो अच्छी बात है, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से लागू किए गए हैं तो अच्छी बात है। मेरा कहना यह है चित्रा जी कि आप हर आंदोलन को षड्यंत्र की निगाह से देखें, ये एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। आंदोलनों को एक विरोध के स्वर के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर कुछ मामलों पर देश के नागरिकों की अपनी असहमति है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये कहना कि सबके पीछे षड्यंत्र है, कुछ देशद्रोहियों से इनके तार जुड़े हो सकते हैं, ये सब बातें किसी भी एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। बिल्कुल चुप, हिम्मत
तो साथियों, लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और असहमति जताना जनता का अधिकार होता है, लेकिन अब ट्रेंड सा बन गया है कि कोई भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करे तो सरकार और उनके समर्थक उन्हें देशद्रोही साबित करने में जरा भी समय नहीं लगाते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर है और उन्हें रोकने के लिए सरकार तमाम वो कोशिश कर रही है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब ये प्रदर्शन किस ओर अपना रुख लेगा कहना मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।